एवरेज पार्टिकल साइज। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज पार्टिकल साइज के बारे में, ठीक है, कि एवरेज पार्टिकल साइज क्या होता है और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी पाउडर है, वो पाउडर हमारा बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और किसी पाउडर के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सबरे यूनिफॉर्म शेप के हैं। कैसे? यूनिफॉर्म शेप के और यूनिफॉर्म साइज के, कि जो इनका साइज है ना सारे पार्टिकल्स का वो बराबर है, ठीक। तो अगर मेरे को पाउडर का पार्टिकल साइज निकालना पड़े या पाउडर का साइज निकालना पड़े तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, एक पार्टिकल का साइज निकाल लेता हूँ कि भाई इस पार्टिकल का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो पूरे पाउडर का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो गया। बहुत आसान, सिंपल, ठीक है। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाउडर में कभी भी यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स नहीं मिलते, ठीक है। पाउडर में हमेशा कैसे मिलते हैं, हमेशा 2 साइज़ के पार्टिकल या 3 साइज़ के पार्टिकल्स मिलेंगे। कि भाई एक साइज़ के पार्टिकल तो कुछ इस साइज़ के होंगे और दूसरे पार्टिकल्स कुछ इस साइज़ के होंगे, ठीक है। तो हमेशा पाउडर में इस तरह का हमको देखने को मिलता है कि भाई पाउडर की अलग अलग साइज़ होते हैं, ठीक। तो हम इस केस में कैसे साइज़ निकालें? तो इस केस में हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इक्वेशन लगानी पड़ती है, ठीक है। कि भाई सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि 2 सेंटीमीटर वाले ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कि जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है वो ये पार्टिकल हैं। तो कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 पार्टिकल्स हैं 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, और 1 सेंटीमीटर वाले ये हैं। तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मेरे पास 9 पार्टिकल हैं 1 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इक्वेशन लगानी पड़ती है कि n1 d1 plus n2 d2 upon में n1 plus n2, ठीक। कि भाई n1 क्या होगा, n1 होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इस साइज रेंज में। कितने थे इस साइज रेंज में पार्टिकल, 8। d1 डायमीटर कितना था, 2, ठीक है। इसको ऐड कर दो इसके साथ n2 d2, कि नंबर ऑफ पार्टिकल दूसरे साइज रेंज में कितने थे, 9, डायमीटर कितना था, 1, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय n1 plus n2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8 और 9 8 plus 9, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो हमें क्या होगा, जो हमारे पास एक साइज रेंज निकल के आएगा वो एवरेज आएगा, मतलब कि इन दोनों से बीच का आएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ 1.9 के अराउंड होगी, 1.9 और 1.8 के अराउंड, ठीक। तो वो जो साइज़ होगा वो कैसा होगा, वो है हमारा एक एवरेज पार्टिकल साइज। कि जब भी पाउडर में 2 तरह के पार्टिकल हों तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एक एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक। और इस इक्वेशन के थ्रू वो निकलता है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में, अगर इधर तो हमारे पास 2 पार्टिकल थे, 2 तरह के साइज़ थे, अगर और 3 तरह के होते तो और क्या होता, फिर इधर d3 आ जाता और इधर n3 आ जाता। तो कुल मिला के अगर इस इक्वेशन को मैं छोटा करना चाहूँ तो मैं इसके लिए कैसे करूँगा, समेशन ऑफ nd अपॉन में समेशन ऑफ n, ये होगी मेरे पास एवरेज पार्टिकल की इक्वेशन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हम डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से। तो एवरेज पार्टिकल साइज की जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है, अभी मैंने बताई थी, समेशन ऑफ nd डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n, ठीक है। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द साइज रेंज, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। d क्या होता है, एवरेज डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन दैट रेंज, कि जो डायमीटर है वो एवरेज डायमीटर कितना है उस साइज रेंज में, ठीक है। अब देखो, ये तो बात थी हमारी एवरेज पार्टिकल साइज के बारे में।